गुड मॉर्निंग सर। हिंदी कमजोर है तुम्हारी। पार्डन सर, क्या पादन पूदन लगा रखा है, हिंदी नहीं आती क्या? आती है सर। सुबह नहीं आती क्या? जी सर। सुबह नहीं आती तभी तो गुड मॉर्निंग बोल रहे हो, सुप्रभात भी तो बोल सकते हो। मुझे लगा कि क्या लगा तुम्हें कि तुम अंग्रेजी में बोलोगे तो मैं इंप्रेस हो जाऊंगा। एक बात ध्यान रखना, मुझे सच बोलने वाले लोग और फैक्ट्स पर बात करने वाले लोग बहुत पसंद है, और वैसे ही कर्मचारी मुझे अपनी कंपनी में चाहिए। ठीक है? समझ गया सर, आपके कहने का मतलब है कि और उतना ही बोलना चाहिए जितना कि जरूरी हो, ज्यादा बड़ बोले लोग चापलूस होते हैं। समझ गया सर, बिल्कुल समझ गया, आपके कहने का मतलब है कि फिर बहुत ज्यादा बोल रहे हो तुम। नाम क्या है तुम्हारा? क्या, अरे सांप क्यों सूंघ गया, नाम क्या तुम्हारा बताओ ना। सर आपके हाथ में मेरा बायोडाटा है, उसमें मेरा नाम लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए। आप ही तो कह रहे थे कि ज्यादा बोलने वाले आपको पसंद नहीं है। गुड, आई लाइक इट, पसंद करता हूं। तुमने NB इंस्टीट्यूट से सेल सर, सेल बिक्री। अच्छा सेल्स बिक्री। वो हिंदी ज्यादा अच्छी है मेरी, थोड़ी इंग्लिश में थोड़ा यू नो। सेल्स में MBA किया है, और NB ग्रुप ऑफ कंपनीज में तुमने इंटर्नशिप करी है, और 3 साल का तुमने सेल्स का अनुभव है। ये भी NB कंपनी में? और कहीं नौकरी मिली नहीं क्या तुम्हें? ये इधर उधर क्या देख रहे हो? हाँ तुमसे बात कर रहा हूँ मैं, इधर उधर क्या देख रहे हो? नहीं सर, आप मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, आप मेरा बायोडाटा पढ़ रहे हैं, मैं आपको सुन रहा हूँ। अरे यार लेकिन तुम तो इधर उधर देख रहे थे अभी। नहीं सर, आपको गलतफहमी हुई है, मैं आपको सुनने के लिए अपने कान आगे कर रहा हूँ। कान इधर लगे होते हैं ना सर। अच्छा चलो ठीक है ठीक है। अरे कहाँ चल दिए? ठीक है मतलब बैठे रहो, अभी आगे बढ़ते हैं, इंटरव्यू चल रहा है। हाँ ये पेन है, इसे बेच के दिखाओ। सर मैंने पेन बेचने के लिए MBA थोड़ी किया है। ठीक है फिर चलो जाओ, चलो जाओ। अब पेन बेचने के लिए तुमने MBA नहीं किया तो जाओ यहाँ से फिर। सर आई नीड दिस जॉब वेरी बैडली, आई एम सॉरी, कृपया सर मुझे ये जॉब की बहुत जरूरत है सर, प्लीज। ठीक है चलो फिर बेच के दिखाओ पेन। भगवान के लिए पेन खरीद लीजिए सर, मेरे बच्चे भूखे हैं, बीवी ने 2 दिन तक खाना नहीं दिया सर, आपको गरीब की दुआएं लगेगी, प्लीज खरीद लीजिए भगवान के लिए, प्लीज प्लीज खरीद लीजिए सर, खरीद लीजिए। अरे क्या कर रहे हो, ये रेड लाइट पे पेन बेचने निकले हो क्या? ये 10 रुपए का पेन नहीं है, बहुत महंगा पेन है, ऐसे बेचोगे? सर फिर मैं आपको कितना भी ये पेन बेचूं आप खरीदोगे नहीं, क्योंकि इसे तो आप पहले से खरीद चुके हो। अरे खरीदा नहीं है मैंने, ये मेरी वाइफ ने गिफ्ट किया है, चलो बेच के दिखाओ पेन। वाइफ ने गिफ्ट किया है? फिर तो मैं इसे आपको बड़ी आसानी से बेच सकता हूँ सर। चल बेच। सर दिस इज अ पेन, सॉरी यह एक लेखनी है। खरीदेंगे कि तोड़ दूं? अबे क्या कर रहा है? सर हमारी कंपनी ने ये पेन बनाया था, बहुत ही घटिया निचले दर्जे का पेन है, कंपनी ने कहा है जहां मिले तोड़ दो। सर आप इस पेन की जान बचाना चाहेंगे, टूटने से बचाना चाहेंगे इसे, या तोड़ दो? अरे बीवी जान से मार देगी। तो खरीद लीजिए ना सर। अरे यार मेरी बीवी नहीं, बॉस की बीवी जान से मार देगी, बॉस को उसकी बीवी ने गिफ्ट किया ये वाला पेन, सुने अगर बॉस को पता चल गया ना तो हम दोनों को मार डालेगा। आगे बॉस, अबे मैं नहीं खेल रहा, इंटरव्यू पेन रखते सामने, ये बॉस का पेन है भाई, तू अपनी जाके। मैंने कहा था ना कि भाई जैसी भी कंपनी जैसा ही बॉस है, हम यही ठीक है, माना थोड़ा खड़ूस है लेकिन अपना काम तो चल रहा है ना। सही कह रहे। वैसे मैंने बॉस की एक्टिंग कैसी करी? अरे बड़ी ओरिजिनल करी है ना। भाई तू अपनी चाय बना, मैं PPT बना लेता हूं अपनी। चल 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 चल।